हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के ब्लॉग में मैं कुछ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, लेकिन पार्सल मेरे पास है ही नहीं। रुको जरा, सबर करो। पार्सल अभी तक नहीं आया है, लेकिन आज आने वाला है, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, वो है मेरी टैलेंट। अरे कहना क्या चाहते हो, इसलिए लास्ट तक बने रहना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अभी मेरा पार्सल आ चुका है और मैं अभी पार्सल को रिसीव करने जा रही हूँ। मम्मी मुझे पैसे दे रही है। तो मेरा पार्सल रिसीव हो गया, अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। मैं रूम में आ गई पार्सल लेके। मेरे पास और एक पार्सल है। मम्मी थोड़ा कैमरा पकड़ दो, मम्मी थोड़ा कैमरा पकड़ दो। ये देखो, ये पार्सल कल मैंने रिसीव किया था, लेकिन कल ये पार्सल मैंने नहीं खोला, क्योंकि मुझे पता है कि आज और एक पार्सल आने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक साथ ही अनबॉक्सिंग करूंगी। तो गाइस, अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे पहले मैं नहा लूंगी, फिर उसके बाद पेट पूजा करूंगी, फिर उसके बाद दिल थाम के बैठ कर आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूंगी। तो मैं ज़्यादा बकबक करती हूँ ना? नहीं करती हूँ। हाँ, तो और बकबक नहीं करूंगी। तो चलो फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। ये मैं आज खाने वाली हूँ, मेरी मम्मी ने बनाया है अपने हाथों से। तो आज के खाने में है ये अंडा करी, दाल, दही, नींबू और ये कड़वा करेला की सब्जी और अनियन, मिर्च, सलाद। तो चलो मैं फटाफट से खाना फिनिश कर लेती हूँ। गाइस, मेरा पेट पूजा हो गया है, अब मैं आराम से दिल थाम के बैठकर अनबॉक्सिंग करूंगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आप लोग भी मेरे साथ दिल थाम के बैठो और देखो। चलो खोलते हैं। तो मुझे इसके अंदर से बहुत कुछ मिला है, देख सकते हो। तो इसके अंदर से मुझे एक रिमोट भी मिला है और एक माइक मिला, इसको यहाँ पे ऐसे चीज लगाते हैं, देख सकते हो ये माइक। और ये 360 डिग्री का एक रोटेटिंग बॉल भी मिला है और ये मोबाइल होल्डर और ये मतलब माइक को चिपकाने के लिए। अब आते हैं मेन थिंग पे। तो ये है मेन थिंग। तो इसका जो लेग्स है वो आप किसी भी शेप में भी इसको रख सकते हो, जैसे कि आप इसको यू के शेप में भी ऐसे रख सकते हो। देख सकते हो कितने अच्छी तरह से इसका शेप बन गया, मतलब आप इसे कुछ भी कर सकते हो। तो चलो अब मैं इसको सेट कर देती हूँ और ये बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसको सेट कर देती हूँ। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये मोबाइल होल्डर। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छी तरह से बन गया एक ट्राइपॉड। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 360 डिग्री का रोटेटिंग बॉल भी दिया है। ये देखो, ये देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और क्वालिटी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। और इसका वेट की बात करूँ तो इतना हैवी भी नहीं है, बस ठीक ठाक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्राइपॉड। तो अब मैं रिमोट को टेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइस, इसमें 2 बटन दिया है, एक आईफोन का है और एक एंड्रॉइड का है। मेरा फोन एंड्रॉइड है तो मैं एंड्रॉइड वाला ही ट्राई करूंगी। रिमोट को टेस्ट करने के लिए मुझे ब्लूटूथ कॉमन करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी ऑन कर लेती हूँ। देख सकते हो ये ऑन हो गया, अब ये कनेक्ट भी हो गया। इसका नाम है AB Shutter 3। तो अब चलती हूँ, कैमरे को निकालती हूँ, देखते हैं इसको टेस्ट करके। तो मैंने बोला था कि ये वाला आईफोन का है और ये एंड्रॉइड का है। तो मैं वीडियो पे जाती हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से क्लिक करती हूँ।
अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। वाओ, ये देखो, अब दूर से जाके इसको ऑन कर सकते हो। देख लिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रिमोट। तो गाइस, इसका तो टेस्ट हो चुका है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाया। तो अब मैं टेस्ट करती हूँ इस माइक की टेस्ट करती हूँ। तो चलो देखते हैं इस माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है। अब मैं इसको मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगी। गाइस, अभी मैं इस माइक से वीडियो बना रही हूँ और इसका साउंड क्वालिटी आप लोग सुन सकते हो। तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। प्राइस की बात करूँ तो मैंने इसे 699 रुपीस में परचेज किया था। बहुत अच्छा है, इतने कम बजट में इतना अच्छा ट्राइपॉड मिल गया मुझे, बहुत अच्छा है ये। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हो। अब करूंगी इसका अनबॉक्सिंग। अरे वाह, प्लास्टिक बबल्स भी दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको फोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। पहले इसको थोड़ा फोड़ते हैं। मजा नहीं आ रहा है। तो ये है उडन कॉम, इसमें क्या लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ उडन का, मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे इससे मतलब है। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है काया शेख का उडन कॉम। आज से मैं इस प्लास्टिक कॉम का इस्तेमाल नहीं करूंगी, आज से मैं ये उडन कॉम का इस्तेमाल करूंगी। आप लोग भी उडन कॉम का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि उडन कॉम का इस्तेमाल करने से जो बालों में जो डैंड्रफ होता है वो नहीं होगा, हेयर ब्रेकेज से भी छुटकारा मिलेगा और आप इससे इजीली अपने हेयर को डिटंगल कर सकते हो। ये देखो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसे बाय भी कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, वो है सिनेमैटिक शॉट। जी हाँ, सिनेमैटिक शॉट मैंने पहली बार लाइफ में खुद शॉट लिया था। तो चलो आप लोगों के सामने मेरा ये सस्ता वाला सिनेमैटिक शॉट पेश कर देती हूँ। तो ये था मेरा टैलेंट, मेरे पास बहुत सारे टैलेंट है लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। और हाँ, आप लोगों को मेरा ये सिनेमैटिक शॉट कैसे लगा? अगर अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगा बोल दो, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो गाइस, ये था मेरा आज का अजीब गरीब सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ये अजीब गरीब सा ब्लॉग पसंद आए। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को मार मार के फोड़ दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बाय बाय।